हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैक आइडिया ट्रिक विद सुजीता। आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया लेके आपके लिए आपके खुद के चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, आई वाज नॉट दैट रेगुलर इन अपलोडिंग माय वीडियोस एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आप लोगों ने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई हो और आगे के आने वाले फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे से मनाओगे। पर्सनली स्पीकिंग आई हैव ऑल्सो सेलिब्रेटेड इट वेरी वेल एंड वी आर वेटिंग फॉर न्यू ईयर टू कम। न्यू ईयर से याद आया, इस बार मैं न्यू ईयर से रिलेटेड एक छोटी टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ। नाउ व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ, आई विल बी टॉकिंग ब्रीफली अबाउट ओनली 8 टाइप ऑफ हेल्थ। आई नो मोस्टली हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत जानते हैं और उसे डिस्कस भी करते हैं, बट देर आर सो मेनी अदर एरियाज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना। There will be so many other aspects which needed attention, and with that, so many forums has opened up and they are talking about all of these. And with this, I will also like to emphasize a little bit more on these areas of health so that New Year resolution mein aap inme se kisi ek ko apne lifestyle mein add kar sako. First type of health is your physical health. अब ये फिज़िकल हेल्थ आपको एक्चुअल में आपकी फ़िज़िकल बॉडी वो किस स्टेट में है, किस तरह से फंक्शन कर रही है, उससे पता चलता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिज़िकल हेल्थ, योर न्यूट्रिशन, डाइट, सेल्फ केयर, रेस्ट एंड स्लीप, फिज़िकल एक्टिविटीज़, एवरीथिंग विल गेट काउंटेड। आवर बॉडी वर्क लाइक मशीन्स एंड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडीज, Obtaining physical wellness allows you to nurture your own health. Physical health के लिए आप कुछ चीज़ें अपने daily life में add कर सकते हो, जिसमें कि कुछ चीज़ें मैं already follow करती हूँ। इसमें सबसे important role play करता है आपका schedule. If you have a schedule, you will know how and when your body is to perform, what all task you have to do at what time. Second thing is, Indulge yourself into some sort of exercise. वो कुछ भी हो सकता है, चाहे डांस कर ले, प्ले कर ले या फिर योगा कर ले, दैट इज़ अप टू यू वॉट यू वॉन्ट टू डू, बट डेफिनेटली कीप योर सेल्फ एक्टिव इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। अनदर, एड सम न्यूट्रीशन टू योर फूड, वट एवर यू आर हैविंग इन एनी ऑफ द सोर्स विच यू वॉन्ट टू डू, वेदर वेज, नॉन वेज, दैट इज़ टोटली अप टू यू। Now let's talk about mental health. Now mental health is something related to your head. We all know that. अगर आपका दिमाग शांत रहता है, सही रहता है, तो चीज़ें आसान होती है। लेकिन if there is certain issue, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है, तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होती है। Now a good mental health helps you to keep negative thoughts away, stay positive, work on your stress, And also it gives you ability to cope with your stress and function properly when such situations are there. When you have to work on your mental health, I will suggest you can either focus on breathing exercise or do meditation. These are the two options which can definitely help you relax your mind and take good care of yourself. Now, social health. हम कितनी अच्छी तरह से डिफरेंट सोशल सिचुएशन में कंफर्टेबली अडैप्ट होते हैं, ये पता चलता है। टू इम्प्रूव दिस, वन शुड प्रैक्टिस स्पेंडिंग मोर टाइम विद क्लोज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ में। इट्स अ वेरी वास्ट टर्म, बट इन शॉर्ट इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन योर वर्क एंड हेल्थ। अ वेरी गुड एग्जाम्पल विल बी कॉर्पोरेट कल्चर फोकसिंग मोर ऑन हेल्थ एंड वर्क स्पेस After Corona, another example is your work and life balance, which has improved. People are focusing more on remote opportunities. That could be one example. Now on this, I would like to suggest that whenever you are working in any kind of job, always tie yourself for that particular hour and do not mix your personal life with your professional life. Environmental health. Now we all know these are the natural environment like air, water, soil, plant, all physical, chemical, biological and social features of our surroundings. And we have been seeing these environmental changes and these environmental changes impact our health.
To take care of environmental health, do your bit for the environment and at least try to keep your surrounding green so that you can stay healthy. Becoming a learner is an art, and intellectual health is something which comprises of that only. नई चीज़ें सीखने की कोई उम्र नहीं होती. You will never get old जब आप नई चीज़ें सीखते रहोगे. To brush up your intellectual health, कुछ नया सीखते रहें. Emotional health. This is everything about you. It is how you feel about something and all these goes to your heart. आप क्या सोचते हो, आपका मूड कैसा है, आप क्या हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, दीज ऑल आर इम्पैक्टेड बाय योर हार्ट एंड योर इमोशंस. लास्टली, स्पिरिचुअल हेल्थ विल गिव यू मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स. इट इज़ क्लियर डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. जस्ट फाइंड अ पर्पस फॉर योर लाइफ एंड यू विल बी स्पिरिचुअली एट पीस. And this was the last type of health. Share your thought on comment section about this video. With this, I have to end this video. I'll be back with something new. Tab tak ke liye, bye. Acha haan, agar subscribe nahi kiya hai, toh abhi subscribe kare. I'll be back with something new next Thursday. Bye.